अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग कलाम के इस वक्त जंगलात में हैं, जो कि यहाँ का मशहूर तरीन और पहला कलाम का पॉइंट है। उसका नाम है उशू। ये जंगलात आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इधर सारे दरख्त ही दरख्त हैं। दूर दूर तक पहले तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे जंगलात देखे हैं, आगे नहीं मैंने कभी देखे। और इतने लंबे लंबे दरख्त हैं, और दरख्तों के ये पत्ते देखें डिफरेंट किस्म के हैं, जिस तरह अम्ब्रेला स्टाइल में इस तरह से फैले हुए हैं। और बारिश हो रही है, वेदर जो है वो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी लग रही है। आप लोगों को मेरा, मैंने ये कोट पहना हुआ है, नज़र आ रहा होगा। इवन कि मैंने कैप भी पहनी हुई थी, लेकिन कैप के साथ मेरी वीडियो अच्छी नहीं थी आ रही, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है मैं बना दूं। सांस मुझे इस वजह से चढ़ा है क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी नीचे पार्क की है, ऊपर हम लोग चढ़ाई करके फिर ऊपर आए हैं। और ये बिल्कुल इस तरह से जंगल लग रहा है जिस तरह हम लोग हॉरर मूवीज़ में देखते हैं या ड्रामास में देखते हैं, उस तरह का सेम ये जंगल है। आए मेरे साथ चलते जाएँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे रहाइश जो है ब्राइन आम है। ये स्टार्ट में हमें दो तीन घर नज़र आए हैं, और वो ख़वातीन, कुछ ख़वातीन नज़र आई हैं जो कि मेरे ख्याल में यहाँ की रहायशी हैं। अब पता नहीं यहाँ पे वो विज़िट करने आई हैं या यहीं रहती हैं। ये बच्चे भी खेल रहे हैं, और ठंड जो है अपने अरूज पे है। और यहाँ पे लोग कैंपिंग करने भी आते हैं बकायदा, यहाँ पे पिकनिक भी मनाई जाती है। पीछे मैंने एक फैमिली को देखा है, वो चाय बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चाय। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ, आज बारिश की वजह से फिसलन हुई है, कीचड़ हुआ है। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और दरख्तों की इतनी प्यारी लकड़ी की खुशबू आ रही है। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ये छोटी सी फली टाइप, ये पता नहीं कौन है, बेबी कौन है या फली है, गिरे हुए हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे हर तरफ। आगे आए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इरादा तो यही है कि आप लोगों को जो जो पॉइंट मैं विज़िट करूं, मैं आप लोगों को साथ साथ वो वीडियो जो है बनाती जाऊं और आप लोगों को अपलोड करके दिखाती जाऊं। यहाँ का दर्जा हरारत मेरा अंदाज़ा है कि -1 या 1 से ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जब मैंने हम लोग स्वात में थे तो वहाँ का मैंने वेदर चेक किया था, सुबह के टाइम 5 दर्जा हरारत था। अभी शाम का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे का टाइम है। ये यहाँ पे कुछ ग्रीनरी नज़र आई है, ये देखें जी, ये लोगों ने, मेरे ख्याल में कई फैमिली ने यहाँ पे डेरा जमाया होगा, गंद वगैरह यहाँ पे फैला हुआ है। ये देखें, जब पिकनिक में आए तो कम से कम इस तरह की खूबसूरत जगहों को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गार्बेज जो है ये खूबसूरती को मान करता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि साथ शॉपिंग बैग वगैरह ले आया करें, उसमें गंद वगैरह डाल के इंजॉय करके तो चले जाया करें। ये दूर दूर तक ये कुछ घर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ी के घर आप लोगों को बने हुए नज़र आएंगे, छोटे छोटे हट बने हुए हैं, इर्द गिर्द इन्होंने बाट बनाई हुई है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग सर्दी हो तो बच्चों को बाहर नहीं निकालते, लेकिन इनके बच्चे देखें आराम से मूव कर रहे हैं, एक एक स्वेटर पहना हुआ है। हाँ, और आप लोगों को यहाँ पे इको सिस्टम भी है, बर्डीज देखें ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, और बड़े किसी बर्डी की आवाज़ भी आ रही है, हल्की सी आ रही है। वो पीछे माउंटेन भी हैं,
ये इस साइड पे ग्रीनरी है, ये मुझे कॉर्न ट्री भी नज़र आया है, कॉर्न के ट्री भी शायद यहाँ पे लगे हुए हैं, ये नज़र आए हैं मुझे। जब हम कलाम से उशू की तरफ आ रहे थे तो मैंने इस दौरान रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देखें और इन्जॉय करें कुदरत के हसीन मनाजर और मुझे दाद दें। मैं भी इन्जॉय करती आई हूँ, आप भी इन्जॉय करते आएँ। फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलती हूँ। हाँ जी, अभी आपने वो वीडियो देखी है, ये खुला मैदान भी देखें, ग्रीनरी ग्रीनरी और इर्द गिर्द सारे जंगलात हैं, तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी, मेरी यूट्यूब फैमिली जो पाकिस्तान में स्पेशली है, मैं उन लोगों को कहूँगी जब आप लोग आएँ स्वात वाली साइड पे तो आप ये इस तरफ आएँ कलाम की तरफ, तो उशू के जंगलात का ज़रूर विज़िट करें, ये एक डिफरेंट पॉइंट है, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और पिकनिक यहाँ पे बनाएं, कैंपिंग करें, खाना पीना करें, खूब इंजॉय करेंगे, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी मुझे थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई है, तो अब हम खाना पीना कर लें, बच्चों को भी भूख लग रही है और ठंड भी थोड़ी बढ़ती जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये उशू के जंगलात पसंद आए होंगे और अच्छे लगेंगे। आप लोगों ने मुझे वीडियो में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्यूज़ कैसे लगे, मेरी वीडियो कैसी लगी, पॉइंट कैसा लगा और मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, ये मेरा कंटेंट कैसा लगा। लास्ट में मैं इको करती हूँ, इको करने का दिल कर रहा, छोटे होते करते होते थे। ज़ाइना ज़ाइना, दूर तक आवाज़ आ रही है और दूर तक कोई कोई भी नहीं है, सिर्फ जुहैर जुहैर, अपनी आवाज़ मुझे गूंजती हुई नज़र आ रही है। अब मुझे इजाज़त दें सब हम कदस को, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।